हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में आए दिनों कई दिलचस्प कड़ियां जुड़ जाती हैं। शो को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड रहते हैं और वीकेंड का इंतजार करते हैं। वो भी क्यों ना, सबका भाई सबका जान जो आता है वीकेंड पर। जहाँ शो के होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट की एक्टिविटी पर उनकी क्लास लगाते हैं। वीकेंड आने वाला है और सलमान जाहिर तौर पर किसी न किसी की क्लास तो लगाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, सलमान खान इस बार किसी और की नहीं बल्कि मशहूर डायरेक्टर और मीटू के आरोपी साजिद खान से ही सवाल जवाब करेंगे। ये उन्हें काफी हफ्तों से करना था लेकिन ऐसा नहीं था। जहाँ सलमान खान का ध्यान टीना दत्ता या शालीन भनौत से हटकर किसी दूसरे कंटेस्टेंट पर आएगा। इस बार और पिछले कुछ दिनों से अब्दुल रोजिक और निमित आलूवालिया के कनेक्शन को लेकर सलमान सवाल करने वाले हैं। निमित के जन्मदिन के जश्न के दौरान एक मजाक के लिए अब्दुल को लेकर किए गए बर्ताव को लेकर सलमान खान बात करेंगे। प्रीकैप में देखने को मिला है कि सलमान खान साजिद खान को फटकार लगाते हैं। वहीं इस बात का जिक्र करेंगे कि कैसे एक तरफ वो अब्दुल रोजिक को निमृत के साथ उनकी नजदीकियों के लिए सावधान रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हैप्पी बर्थडे निम्स लिखने और अपनी पीठ पर आई लव डैश डैश लिखने के मजाक को प्रमोट कर रही है। सलमान खान ने भी अब्दुल को इसी बात के लिए डांटा और कहा कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। बॉलीवुड सेंसेशन, बॉलीवुड की हॉट अदाकारा और टीवी पर्सनालिटी मलाइका अरोरा इन दिनों अपने वेब शो मूविंग इन विद मलिका से लाइमलाइट में बनी हुई हैं। ओटीटी पर प्रीमियर हो रहे शो में मलाइका अपनी पर्सनल लाइफ सहित कई इश्यूज पर खुलकर बात कर रही है। मलाइका अरोरा ने शो में अरबाज खान से अपने तलाक और अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। वहीं जीवा ने अपने जिम और योगा क्लासेस के बाहर पिपराजी के क्लिक करने के बारे में भी बात की है। तो चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं। मलाइका ने बताया कि जब तक उन्होंने कुछ नहीं किया तब तक उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं, लेकिन जब पेप्स स्टैटिस्टिक पार्ट्स पर फोकस करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। शो में मलाइका कॉमेडियन भारती सिंह के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को तब तक नहीं डांटा है जब तक कि किसी ने मुझे पुश ना किया हो, लेकिन मुझे क्या चिढ़ है कि आप फोटो क्लिक कर रही हैं, यहाँ के फोटो लो ना, वे इस हिस्से और उस हिस्से की तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं, कैमरा इधर उधर जाता है, मुझे इससे बेहद समस्या है। भले किसी को भी होगी, कोई भी अनकम्फर्टेबल फील करेगा, तो हो सकता है कि आपके फोटो क्लिक करने को लेकर मलाइका अरोरा अगर गुस्सा हो जाती है तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म पहले से ही काफी बज में रही। इस हॉलीवुड फिल्म को लेकर ऑडियंस में इतना क्रेज है कि भारत में इसकी रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म ओपनिंग डे पर जबरदस्त कलेक्शन कर सकती है। वैसे अगर भारतीय सिनेमा की हम बात करें तो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है। बॉलीवुड फिल्मों को ऑडियंस इतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना कि साउथ की फिल्मों को और हॉलीवुड की फिल्मों को लेकर बस बना हुआ है। अब देखना होगा कि अवतार कितना यहाँ पर फैंस का दिल जीत पाती है। ये भी कहा जा रहा है कि कमाई के मामले में अवतार 2 मार्वल स्टूडियो की फिल्म एवेंजर्स एंडगेम का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। अवतार 2 की रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग हुई है। अवतार 2 ने एडवांस टिकट बुकिंग के मामले में दृश्यम 2 और RR जैसी फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में फिल्म की अलग अलग भाषाओं में तकरीबन 17 करोड़ के एडवांस टिकट बुक हुए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म ओपनिंग डे पर सभी हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो आपको इंतजार किस बात का है, आप भी निकलिए, वीकेंड है, छुट्टी मनाइए, अवतार 2 देखकर आइए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और बॉलीवुड गपशप की तीखी नोकझोंक और चटपटी खबरें लगातार मेरे साथ देखते रहिए।